देख सकते हो गुनगुन को भी बुखार हो गया। बेचारी का सर में दर्द कर रहा था ज़्यादा, दवा दिए हैं, सोई हुई है, देख सकते हो। अभी तो कुछ कम है लेकिन है, फीवर अभी भी है, कुछ कम गया है। इसको ठीक हुआ, इसको फिर फीवर हो गया। अरे तो ठीक हो गया है, अब नहीं है बाबू तुम्हारा, ठीक हो गया ना। तो इसको पकड़ लिया और सुबह उठी तो बहुत ज़्यादा फीवर था, एकदम शरीर लग रहा था कि तव रहा है। देखते हैं, सोकर उठती है तो इसके बाद ज़्यादा अगर ठीक नहीं होता है तो फिर डॉक्टर के पास इसको भी ले जाना पड़ेगा। दिए हैं सुबह में दवा वगैरह। फाइनली हम सब्जी मंडी में हैं, देख सकते हो आप। रखो जल्दी, आप देख सकते हो। फाइनली हम ओवर ब्रिज के पास आ गए हैं। बढ़िया ले रही है बिस्किट। सो गाइज, अभी हम और गुड़िया गए थे मार्केट और आ गए अभी घर। देख सकते हो आप, गुड़िया खेती कर रही है, खेती मीन्स सब्जी लगा रही है और भिंडी वगैरह लगा रही है और करेली भी लगा रही है। इधर लौकी लगा हुआ है, देख सकते हो। थक जाता है आदमी, बहुत सख्त मट्टी है। कोड़िए कोड़िए, अच्छा बीज होगा उसमें। मैंने आलू की बोरी रख ली है अपने बाइक पर। कल मैं और गुड़िया आए थे यहाँ बाजार, तो हम लोग आलू पता कर लिए थे, आलू का कीमत और रेट पता कर लिए थे, फिक्स कर लिए थे, और कल ही मैंने पैसा दे दिया था, तो आज ले जा रहा हूँ उसको। इलेक्ट्रिसिटी का काम है जिसमें टेंडर डाला हुआ है हम लोगों का, मिलता है कि नहीं, सकते हो आप। सब बिजली का काम है। चलिए, पानी कहाँ मिलेगा? पानी है कहाँ पर? कहाँ? इसमें आई न पी लेते हैं। अच्छा, हाँ जी, चल रहा है मोटर, देख सकते हो गाइस, मोटर की व्यवस्था है और हम लोग पानी पियेंगे यहाँ पर। सब गोडाउन है, इसी का टेंडर डाला हुआ है, देखते हैं टेंडर मिलता है कि नहीं मिलता है। सो अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। देख सकते हो गाइज, प्रतीक को तो तबीयत ठीक हो गया, बुखार उतर गया, और लेकिन प्रतीक के बाद अब गुनगुन का भी वही कंडीशन है। गुनगुन का भी तबीयत खराब है और अब फिर इसको भी ले रहे हैं डॉक्टर के पास। दवा से कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, दवा खा रही है लेकिन फिर दवा का असर जैसे ही ख़त्म हो रहा है वैसे ही फिर इसको बुखार आ जा रहा है। तो अब ले जा रहे हैं इसको फिर डॉक्टर के पास। जो हम लोग दवा दे रहे हैं, जो प्रतीक को दवा मिला था वही दवा इसको भी खिलाया जा रहा था लेकिन उससे कोई कंट्रोल नहीं हुआ। सो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं डॉक्टर साहब के यहाँ, डॉक्टर साहब के पास।
बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो चुका है, वोमिटिंग कर रही है। लेकिन स्क्वायर अब वोमिटिंग पहले क्लियर हो लेती है, इसके बाद ले आते हैं डॉक्टर साहब के पास। अभी गुनगुन जाकर टेम्पू में बैठी है, काफी भीड़ है डॉक्टर साहब के पास। थोड़ा कुछ भीड़ कम हो जाए इसी के इंतजार में बैठे हुए हैं हम लोग। सो गाइस, गुनगुन को तो दिखला दिए, डॉक्टर साहब देख लिए, सुई भी दिए हैं, इसको इंजेक्शन भी पड़ा है। तो अब इसको दिखला दिए, अब जा रहे हैं घर। तो ब्लॉग पे ही खत्म करते हैं। जय हिंद।